असेंबली के दो हाउस होते हैं, जिसमें एक विधान परिषद का हाउस है जिसमें 78 मेंबर होते हैं, और मौजूदा विधान परिषद में दो ही मुस्लिम एमएलसी थे, एक बाबा जानी दुर्रानी और वजाहत मिर्जा। लेकिन अब अफसोस की बात है कि 27 जुलाई को उनकी टर्म खत्म होने से पहले जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और महायुति महाविकास आघाड़ी किसी ने भी मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं देने से अब विधान परिषद मुस्लिम मुक्त विधान परिषद बन गई है। मौजूदा विधान परिषद में एक भी मुस्लिम की नुमाइंदगी बची नहीं है, जबकि ये एमएलसी जो थी वजाहत मिर्जा के हिस्से एक मुस्लिम रिप्रेजेंट करने वाली एमएलसी थी, और ये सुना जा रहा था कि वो नांदेड़ को दी जाने वाली है, इसको दावेदारी पेश की जा रही थी, फिक्स लिखा जा रहा था, बावजूद उसके नांदेड़ को तो दिए ही नहीं। लेकिन जिस महाराष्ट्र के आवाम ने कांग्रेस, एनसीपी, महाविकास आघाड़ी ने एक भी उम्मीदवारी नहीं दी थी उसको एक गट्ठा वोट दिया, और जिन पार्टियों ने नुमाइंदगी दी थी उनको वोट नहीं दिया, इसका सिला ये मिला कि वो तमाम उलेमा इकराम, वो तमाम समाजी लोग जो सियासी नहीं होते हुए भी जिन्होंने महाविकास आघाड़ी को जिताया, आज उन्होंने आपकी 22 रियासत में लोकसभा की उम्मीदवारी जीरो की थी और अब विधान परिषद में भी उम्मीदवारी न देकर और विधान भवन में, विधान परिषद में अब एक भी मुस्लिम नहीं रहेगा, जहां पर साइन होए तक, जहां पर मंजूर होने तक कोई भी कानून नहीं बनता। कानून बनाने वाला वो अपर हाउस जिसको कहा जाता है, आज वहां आपका एक भी नुमाइंदा नहीं है। तो आपकी नुमाइंदगी अगर इस तरीके से जो पार्टियां जो विचारधारा खत्म कर रही है, अब उसके पीछे कब तक खड़े रहना है? हम देख रहे थे कई दिन से नांदेड़ से हम पीछे लगे हुए हैं, आपको किसी के पीछे माजूर होने की, भीख मांगने की, कटोरा लेके जाने की कोई जरूरत नहीं। आपके ऑटो के दम पर ये चुन के आते हैं, आप साथ ना दे तो ये चुन के नहीं आएंगे, और इस महाराष्ट्र के पसमानदा पिछड़े तबके और मुसलमान एक हो जाएंगे तो खुद के एमपी और खुद के एमएलए चुन के ला सकते हैं। और अब ये अगर नहीं किया है तो फिर विधानसभा में तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इन पार्टियों के तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट चुन के नहीं आते हैं, ये रिकॉर्ड है। 45 साल से तो उन्होंने टिकट ही नहीं दिया, लेकिन अब टिकट भी देंगे तो उनके पास में दलित और मुस्लिम उम्मीदवार को वोट टर्न करने की ताकत इन किसी भी पार्टियों में नहीं है। और आज वो आपको अगर एमएलसी में नहीं देते हैं, आपकी मेहनत का सिला नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने स्वाभिमान, अपने वखार की जिंदगी गुजारनी चाहिए। हम अपने वखार के साथ में, शान शौकत के साथ में, पिछड़े तबकों को साथ में लेके खुद भी चुन के आ सकते हैं और हम इनको चुन के ला सकते हैं। इसलिए आज अपने को खुद के दम पर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नांदेड़ की आवाम अपने पूरे वखार के साथ, शान आन बान शान के साथ में अपना नुमाइंदा असेंबली में इंशाल्लाह भेजेगी।